अ विंडो ऑफ़ अ हाउस इज एच मीटर्स अब द ग्राउंड फ्राम द विंडो द एंगल्स ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन अदर हाउस सिचुएटेड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लेन आर फाउंड टू बी एल्फा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली वी हैव टू प्रूव दैट द हाइट ऑफ द अदर हाउस इज एच मल्टीप्लाइड बाई वन प्लस टैन अल्फा कॉट बीटा मीटर्स तो पहले तो मैं एक डायग्राम ड्रा कर लेता हूँ ये जो मैं ग्रीन लाइन दिखा रहा हूँ आपको ये ग्राउंड को रिप्रेजेंट कर रही है अब ग्राउंड से मुझे एच मीटर्स ऊपर जाना है विंडो पर तो आप देखें यह ग्राउंड है और ये ब्लू लाइन विंडो को दिखा रही है विंडो सॉरी ब्लू लाइन विंडो की हाइट को दिखा रही है विंडो यहाँ पर टॉप पर है ओके okay? ग्राउंड से विंडो का जो ये डिस्टेंस है दिस इज एच मीटर्स ओके अब जो मैं ये रेड लाइन दिखा रहा हूँ ये मैं दूसरा घर दिखा रहा हूँ एक दूसरा भी घर है जो इस घर के ऑपोजिट साइड में, में okay? ये, ये है लेन के ऑपोजिट साइड में ओके लेन ये है ये रास्ता है ओके okay. लेन के एक तरफ ये घर है जिस घर के ऊपर एक विंडो है और लेन के दूसरी तरफ एक ही घर है ठीक है ना मुझे कैसे पता कि ये घर की जो हाइट है वो ज़्यादा है और इस घर की हाइट कम है क्योंकि इन्होंने बोला है जब विंडो से आप ऑब्ज़र्व करते हो ये विंडो है जब इस विंडो से आप ऑब्ज़र्व करते हो तो दूसरे घर में एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है और एंगल ऑफ़ डिप्रेशन बनता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन तभी बनता है जब दूसरी बिल्डिंग की दूसरे घर की हाइट ज़्यादा हो अगर दूसरे घर की हाइट कम होती तो फिर एंगल ऑफ एलिवेशन ना बनता तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया है इससे हमें पता चल गया कि दूसरे घर की हाइट ज़्यादा होगी आई होप ये क्लियर है ओके आगे बढ़ता हूँ ये देखो मुझे इस पॉइंट से यहाँ पर विंडो है यहाँ से मुझे देखना है कि एंगल ऑफ़ एलिवेशन कितना बनेगा तो मैं इस घर के टॉप को देखूँगा अगर मैं इस जगह खड़े होकर इस घर के टॉप को देखूँगा तो मुझे ये लाइन ड्रॉ करनी है दिस इज़ लाइन ऑफ साइट ओके प्लीज़ समझें यह ग्राउंड था ग्राउंड से एच मीटर्स की ऊंचाई पर ये विंडो है विंडो से खड़े होकर विंडो के लेवल से आप दूसरे घर के टॉप को देखते हो तो जो एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ़ एलिवेशन बन रहा है आप देखें आगे लिखा हुआ एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ओके okay, तो मैं ये देख रहा हूँ यहाँ से इस दूसरे घर के टॉप को आगे बढ़ता हूँ ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है हमेशा याद रखो कि जिस जगह से आपको देखना होता है ऑब्जर्व करना होता है तो वहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो और जिस डायरेक्शन में देखना है उस डायरेक्शन को देखो इन्होंने बोला है टॉप को देखना है तो आप दूसरे घर के टॉप को देख रहे हो ये दिस लाइन इज़ शोइंग दैट यू आर सींग द टॉप ऑफ द अदर हाउस एंड दिस इज़ हॉरिजोंटल लाइन इनके बीच जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन है और ये अल्फ़ा की है आगे बढ़ता हूँ मैं एंगल ऑफ़ डिप्रेशन दिखाता हूँ तो इस जगह से आपको विंडो से ऑब्ज़र्व करना है इस बार विंडो से बॉटम को ऑब्ज़र्व करना है दूसरे घर के तो आप विंडो से खड़े होकर बॉटम की तरफ देख रहे हैं ये ग्रीन लाइन से और विंडो से खड़े होकर स्ट्रेट लाइन ये है हॉरिजॉन्टल लाइन ये है हॉरिजॉन्टल और ये लाइन ऑफ साइट के बीच जो एंगल होता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बीटा की है ओके दिस एंगल इज़ बीटा ओके दिस एंगल इज़ एल्फ़ा एंड दिस एंगल इज बीटा ये एंगल ऑफ एलिवेशन था टॉप को देखने पर बना था ये एल्फा है ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है बॉटम को देखने पर बना है ये बीटा है एलिवेशन हो या डिप्रेशन हो दोनों ही एंगल्स बनते हैं लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉनटल लाइन के बीच में जब आप टॉप को देख रहे थे तो ये लाइन ऑफ साइट थी और ये हॉरिजॉनटल लाइन थी दोनों के बीच बना एंगल एल्फा जब आप बॉटम को देख रहे थे तो ये थी लाइन ऑफ साइट और ये है हॉरिजॉन्टल लाइन इनके बीच बना बीटा ओके आ, ये हाइट आपको पता है एच मीटर्स थी ये जो पॉइंट्स है मैंने इसको बी पॉइंट ओ पॉइंट मान लिया है इन दोनों पॉइंट्स को मैंने डब्ल्यू एंड बी मान लिया है इस पॉइंट को मैंने ए आज्यूम कर लिया है इस दूसरे घर की हाइट को मैंने कैपिटल एच मान लिया है कैपिटल एच मान लिया है और ये जो बी ओ डिस्टेंस है इसे मैं एक्स मान सकता हूँ एक्स मान लेता हूँ मैं चलिए तो शुरू करते हैं और प्रूव करते हैं कि जो दूसरा घर है उसकी हाइट एच मल्टीप्लाइड बाई वन प्लस टैन एल्फा कॉट बी है ओके okay. तो सबसे पहले आप ट्राइंगल डब्ल्यू बी ओ को देखो इस ट्राइंगल को देखो इस ट्राइंगल को देखो ओके okay. आप देखो ये जो आपने ग्राउंड को दिखाने के लिए लाइन दिखाई है ये भी हॉरिजॉन्टल है और जो यहाँ लाइन आपने ड्रॉ की ये भी हॉरिजॉन्टल है तो दो हॉरिजॉन्टल लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं डब्ल्यू बी एंड बी ओ ये दोनों पैरेलल हैं सॉरी ये बी मैंने दो दो जगह पर लिख लिया है तो मैं इसका नाम सी रख लेता हूँ सी रख लेता हूँ ओके प्लीज़ देखिए डब्ल्यू सी एंड बी ओ ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो अगर ये पैरेलल हैं तो दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स तो अगर ये एंगल बीटा है तो एंगल डब्ल्यू ओ बी भी हो जाएगा बीटा ये एंगल भी हो जाएगा बीटा अभी आप इस ट्राएंगल में आ जाओ डब्ल्यू बी ओ में आ जाओ और पता कर लो कि यू नो बी एक्स बी ओ कितना हो सकता है ये पता कर लो तो इन ट्राइंगल डब्ल्यू बी ओ इन ट्राइंगल डब्ल्यू बी ओ देखो ये बीटा है और ये हमें हाइट मालूम है एच है हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें बी ओ पता चल जाए ओके तो आप यहाँ पर कॉट की हेल्प से फाइंड करो कॉट की हेल्प से क्यों क्योंकि कॉट बीटा की हमें हेल्प चाहिए अभी ओके okay? तो इसलिए मैं कॉट लगा रहा हूँ यहाँ पर कॉट बीटा यू नो कॉट बीटा होता है आ, बेस अपॉन परपेंडिकुलर बेस अपॉन परपेंडिकुलर तो आप लिखो कॉट बीटा आ, इस राइट एंगल ट्रा में बेस और परपेंडिकुलर ढूंढते हैं देखो ये है एंगल एंगल के ऑपोजिट साइड जो होता है वो तो हमेशा परपेंडिकुलर होता है तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड मतलब W ये है हाईपोर्ट तो बेस X को बोलेंगे बेस बी ओ को बोलेंगे ओके तो प्लीज़ समझिए कि यहाँ पर बेस की वैल्यू ये है बी ओ बी ओ मतलब एक्स है एंड परपेंडिकुलर की वैल्यू डब्ल्यू बी है मतलब ये एच है एच है, है कॉट बीटा की वैल्यू है एक्स अपॉन एच एक, आई होप ये क्लियर है ठीक है ना एक बार देख लो सब कुछ क्लियर है आपको हमें कॉट बीटा की वैल्यू मिल चुकी है ये पिक्चर मैं इस पेज में भी रहने देता हूँ ताकि इसके आगे हमें आइडिया रहे कि हमें सॉल्व क्या करना है ये कॉट बीटा मुझे मिल चुका है एक्स अपॉन एच एक। एक्स अपॉन एच मिल चुका है इसके आगे सॉल्व करते हैं देखिए मुझे काट बीटा की वैल्यू मिली थी एक्स अपॉन एच ओके तो मैं इसको सिम्प्लीफाई करके एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ अगर मैं एक्स की वैल्यू फाइंड करूँ तो एच जाएगा लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करेगा काट बीटा को तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी एच मल्टीप्लाइड बाई काट बीटा ओके okay? ये एक्स की वैल्यू है एक्स की वैल्यू अब देखो बी ओ और डब्ल्यू सी ये सेम है क्योंकि ये जो शेप है ना ये एक रेक्टेंगल है दिस इज़ अ रेक्टेंगल ओके okay? तो रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं इस वजह से बी ओ और डब्ल्यू सी आपस में इक्वल होंगे ओके तो डब्ल्यू सी की वैल्यू भी बी ओ के इक्वल मतलब ये वैल्यू भी हो जाएगी एच काट बीटा ओके डब्ल्यू सी इक्वल है बी ओ के क्योंकि बी ओ एक्स है तो डब्ल्यू सी भी, भी हो जाएगा एक्स और एक्स की वैल्यू कितनी है एच काट बीटा एच काट बीटा ये हमें डब्ल्यू सी की वैल्यू मिल चुकी है अब हम इस ट्राइंगल में चलते हैं और इस ट्राइंगल में चल कर फाइन कर लेते हैं ए सी की वैल्यू ए सी की वैल्यू देखो आपको सी ओ की वैल्यू पहले से मालूम है एच है क्योंकि सी ओ और डब्ल्यू भी आपस में इक्वल हैं मैंने बोला ना कि ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड से इक्वल होते हैं अगर डब्ल्यू भी एच है तो सी ओ भी एच होगा तो आपको सी ओ की वैल्यू तो मालूम है एच है आप बस ए सी की वैल्यू फ़ाइंड कर लो देन आप ए सी की वैल्यू और सी ओ की वैल्यू को ऐड कर लोगे तो पूरे घर की हाइट मालूम हो जाएगी आपको ओके इसीलिए मैं ट्राइंगल ए सी डब्ल्यू में आ रहा हूँ मैं अब इन ट्राइंगल ए सी डब्ल्यू इन ट्राइंगल ए सी डब्ल्यू तो यहाँ पर मैं टेन अल्फा फाइंड करूँगा और रीज़न ये भी है कि मुझे यहाँ टेन अल्फा की ज़रूरत भी है ओके थोड़ी सी हिंट मिल रही है यहाँ से तो टेन अल्फा का मतलब होगा टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो जिस ट्राइंगल में आप हैं देखते हैं वहाँ परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है आ, इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर ए सी है और बेस है डब्ली सी तो ए सी अपॉन डब्ल्यू सी लिखेंगे ए सी अपॉन डब्ल्यू सी ए सी अपॉन डब्ल्यू सी ओके अब आप लिखो ए सी ए सी का मतलब क्या होगा देखो ये पूरी हाइट तो कैपिटल हाँ एच है और ये नीचे वाली जो हाइट है वो स्मॉल हाँ एच है तो ये जो ए सी है ना ये कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच हो जाएगा कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच हो जाएगा और ये जो डब्ल्यू सी है ये जो डब्ल्यू सी है आपने देखा था ना कि जो डब्ल्यू सी है ये कहाँ फाइंड किया हमने डब्ल्यू सी जो है ना ये एच cot बीटा के इक्वल है तो आप डब्ल्यू सी की जगह लिखो एच cot बीटा एच cot बीटा ओके आई होप ये क्लियर है आपको ओके okay, चलिए अब हमें फाइंड करना है कैपिटल एच की वैल्यू तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप तो ये एच cot बीटा जाकर मल्टीप्लाई करेगा टेन अल्फा को तो आपको मिलेगा एच कॉट बीटा मल्टीप्लाइड बाय टेन अल्फा इज इक्वल्स टू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच स्मॉल एच को आप भेज दो लेफ्ट साइड में तो आपको मिलेगा एच कॉट बीटा कॉट बीटा टेन अल्फा और ये माइनस एच जब आएगा लेफ्ट साइड में तो ये बनेगा प्लस एच ये है कैपिटल एच की वैल्यू अभी आप इन दोनों टर्म्स से यहाँ से और यहाँ से H कॉमन ले सकते हो स्मॉल एज कॉमन ले सकते हो अगर आपने स्मॉल एज कॉमन ले लिया तो बचेगा ब्रैकेट में कॉट बीटा टेन अल्फा प्लस वन ये है कैपिटल एज कैपिटल H मतलब बड़े घर की हाइट जिस घर की हाइट ज़्यादा थी उस घर की हाइट ये आ गई है आई थिंक हमें यही प्रूव करना था कॉपी कर लीजिए एच मल्टीप्लाइड बाय इस वन को पहले लिख लो क्योंकि प्रूविंग वाले में वन पहले लिखा था ओके फिर आप लिखो कॉट बीटा टेन अल्फा आप चाहो तो कॉट बीटा टेन अल्फा लिखो या टेन अल्फा कॉट बीटा भी लिख सकते हो टेन अल्फा कॉट बीटा भी लिख सकते हो आप सो दिस इज द हाइट ऑफ द अदर हाउस आई होप इज क्लियर